नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लगातार विवादित बयान देने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की महात्मा गांधी के अपमान वाले बयान पर कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देश की आजादी को भीख कहने और महात्मा गांधी के अपमान पर कंगना का पुतला फूंका। कांग्रेस ने कंगना को गंदी औरत करार देते हुए तत्काल पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने और देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस मैदान में आ गई है। कांग्रेस ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुतला दहन किया और पुरस्कार वापस लेने की मांग की। पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता गुड्डू चौहान ने कहा कि जिसका खुद का कोई चरित्र नहीं, वो देश के अमर शहीदों पर लगातार अपमान कर रही है, देश की आजादी का अपमान कर रही है और केंद्र सरकार उसे पद्मश्री से सम्मानित। हम इसका विरोध करते हैं और तत्काल पद्मश्री वापस लेकर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की केंद्र सरकार से मांग करते हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर कंगना ने माफी नहीं मांगी और उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया गया तो मध्यप्रदेश की कंगना की कोई शूटिंग नहीं होने देंगे और अगर कंगना मध्यप्रदेश आई तो उसका मुंह काला किया जाएगा। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कंगना रनौत का पुतला जलाया है। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि कंगना रनौत हो गया। देखिए, बॉलीवुड की एक अभद्र महिला जो कई लोगों के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह चुकी है, ऐसी अभद्र महिला हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करे और इस प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो बात बार बार ट्वीट करता है, इस देश का मुखिया नरेंद्र मोदी जो बार बार ट्वीट करता है, कुछ चुप बैठे रहे और पद्मश्री देखो उसको महामंडित किया जा रहा है। हमारी स्पष्ट मांग है, भारतीय पार्टी सरकार और भारतीय पार्टी के लोग बीडी शर्मा जी स्पष्ट करें किसके साथ खड़े हैं। अगर उसके साथ खड़े हैं तो बताएं जनता को, और नहीं खड़े हैं तो देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए और पद्मश्री उससे तत्काल वापस लिया जाए। ऐसी अभद्र महिला के पास पद्मश्री होने का कोई अधिकार नहीं है। हम लगातार उसके खिलाफ कल एफआईआर भी करेंगे और प्रदेश में कहीं आएगी तो उसका मोकाला भी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।